बंगाल के नटवर लाल को रीवा में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 35 लाख लेने के बाद 1.5 करोड़ लेने दोबारा वो रीवा पहुंचा था। करोड़ों के एथेनॉल प्लांट को डालने के लिए विदेशी बैंक से वो सब्सिडी दिला रहा था। उसके द्वारा रीवा के एक व्यापारी को रातों रात करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर बंगाल का नटवर लाल करोड़ों रुपए की ठगी करने वाला था। तभी अमैया पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ कर रही है। ठगी का शिकार हुए रीवा के व्यापारी तुषार ताम्रकार ने बताया कि आरोपियों से उसका संपर्क वेयर हाउस स्वीकृत कराने की चर्चा के दौरान हुआ था, जिसके लिए आरोपियों के द्वारा 7 लाख रुपए की मांग की गई थी। एक ही झटके में 7 लाख रुपए मिलने के बाद आरोपी पंकज रघुवंशी और तन्मोय मजूमदार निवासी पश्चिम बंगाल के मन में लालच आ गया और उनके द्वारा व्यापारी को वेयरहाउस की जगह एथेनॉल प्लांट डालने की सलाह दे डाली। एथेनॉल प्लांट के लिए आरोपियों ने कहा कि उसे अमेरिका के बैंकों से सब्सिडी मिलेगी, जिसमें मात्र उसका 7% रुपए ही लगना है। इसके बाद आरोपियों के झांसे में आकर तुषार ताम्रकार ने उन्हें तकरीबन 35 लाख रुपए और दे दिए। पीड़ित तुषार ने जब प्लांट लगाने की बात को लेकर अपने साथियों से चर्चा की तो इतने बड़े प्लांट को डालने की बात सुनकर सभी हैरत में पड़ गए। और जब सीए सहित कुछ जानकारों से चर्चा की तो पता चला कि उसके साथ ठगी हो चुकी है। इधर आरोपी 35 लाख लेने के बाद 1.5 करोड़ की और मांग कर रहे थे, जिन्हें पीड़ित ने अपने जाल में फंसाना शुरू किया और पैसे देने के लिए बंगाल से रीवा बुलाया। पीड़ित के कहने पर आरोपी पैसों की लालच में रीवा आकर एक होटल में ठहर गए, जिस बात की जानकारी पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को दी, जिसके बाद पुलिस ने होटल पहुंचकर ठगी करने वालों को हिरासत में ले लिया। देर रात हुई इस कार्यवाही के बाद मामले में आगे की कार्यवाही के लिए आरोपियों को अमहिया थाने में सुपुर्द कर दिया गया है। हमारे साथ ठगी हुई है, फ्रॉड का केस हुआ, 36 लाख रुपए प्लांट लगाने के नाम पे 36 लाख रुपए हमसे लिए गए और 2-3 महीने निकल जाने के बाद धीरे धीरे समझ में आया कि ये काम नहीं करेंगे, फ्रॉड है। तो फिर उनको बाहर के थे, एक आदमी बाहर का था, एक रीवा का था, उनको कल बुलाया गया रीवा और पुलिस को सूचना दे के फिर गिरफ्तारी करा के FIR कराई गई। ये कब की घटना है, कब आपसे पैसा लिया गया था? ये समय समय पर थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके लिया गया है, लगभग 3-4 महीने से काम चल रहा था। हाँ, ये फरियादी हैं तुषार ताम्रकार, इनके द्वारा कल रात में थाने आकर रिपोर्ट लिखाई गई है कि दो व्यक्तियों ने मिलकर एथेनॉल प्लांट लगाने के नाम पर इनसे 35-36 लाख की ठगी कर ली है। इनकी रिपोर्ट पर अमहिया में अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फरियादी यहीं का रहने वाला है, एक आरोपी रीवा का ही है, दूसरा आरोपी वेस्ट बंगाल का रहने वाला है।